हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएनसी कैट कैम। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि स्टेप टर्निंग क्या होती है और ये किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक सिंपल आर्ट ड्राइंग बना लिया है, एक यानी कि स्टेप टर्निंग की, जिसमें कि हम एंगल, रेडियस, दो जगह रेडियस दिया हुआ, एक जगह 1 mm का, एक जगह 2 mm का, और एंगल दिया हुआ 30 डिग्री का, और ये इसकी डायमेंशन है। इसका डाया जो दिया हुआ ये 30 35, और ये 50, और ये 70, ये इसके लेंथ दी हुई है। अगर आपको इसको स्टेप टर्निंग में बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, ये चेक है इसमें, ये क्लैंप हुआ हुआ है पीस, ठीक है, मशीन में। तो आज हम देखने वाले हैं इसका प्रोग्राम। अगर आपको ये प्रोग्राम आ गया तो समझ लो काफी चीजें कवर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें एंगल और रेडियस और स्टेप टर्निंग का दोनों का इसमें पैरामीटर दिए हुए हैं, ताकि ये वीडियो आप देखेंगे तो अच्छे से आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, चलो स्टार्ट करते प्रोग्राम। सबसे पहले हमें देखो चाहिए क्या, इसमें तीन कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। मैंने इसका जो है, यानी कि ये वाला डाया मैं दे देता हूँ, बाकी हम निकाल भी सकते हैं एंगल से, बट मैं अभी इसको दे दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। मान लीजिए ये है 33, ठीक है। अब इसमें कितने पॉइंट हो गए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, और ये डी, ई, यहाँ पर तो है नहीं, एफ, जी, एच, एक पॉइंट ये है, एक ये हुआ, और ये यहां तक ले जाएंगे आई, ठीक है। इतने पॉइंट पर कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, तब जो है हमारा प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से बन पाएगा और मशीन में जो, ताकि हम चला सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहले हम हेडर से, हेडर हम लिखेंगे इसका किस तरीके से, मान लीजिए 0 0 1 से स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। G28 U0 W0, ठीक है। और सेकंड जो है हम इसमें टूल नंबर देंगे T02 02, एंड ऑफ ब्लॉक। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेरा मान लीजिए यहाँ पर कहीं होम पोजीशन है मशीन की, मेरा टूल ये इस तरीके से यहाँ पर कहीं पे है, ठीक है। तो मैं टूल को क्या लाऊंगा, पहले सबसे पहले यहाँ पे लेकर आऊंगा इस पोजीशन पे, ठीक। तो इससे मैं थोड़ा सा 2 mm दूरी पर रखूंगा यहां से। तो इसे हम पहले क्या देंगे, इसमें आरपीएम दे देंगे G96 S200 M03, ठीक है। G50 M G50 S 600 M03, ठीक है। इसके बाद हम कूलेंट ऑन कर देंगे, और यहाँ पे अगर जी कोड देना चाहते हैं तो दे सकते हैं 21 G99 G40, ये पता है mm के लिए करते हैं, ये फीट के लिए, ये कंपनसेशन कैंसिल के लिए, और G90 ये एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए। अगर एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग का नहीं पता तो मेरी जो लास्ट वीडियो है वहां जाके देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा टूल का मोमेंट लेकर आएंगे G0 X, कहाँ तक ले आएंगे, ये देखिए यहां तक ले आएंगे, ये 2 mm इससे दूरी पे, यहां से 2 mm की दूरी बनी रहे। तो हम क्या करेंगे, हमारा कितना 33, यानी कि मैं ले आऊंगा नीचे डायरेक्ट 33 पे, हम फिनिश पाथ इसका कट बना रहे हैं। आप ये मत सोचना आप रफ कट बनाना चाहते हो बना सकते हैं, अभी हम जो प्रोग्राम देखेंगे वो फिनिश कट का देखेंगे, ठीक है। तो इसे ले आएंगे G33 पे, 0.0 Z 2.0, ठीक है। यहाँ पे ले आए एक्स जो है, यहाँ पे कितना है 33, और जो है Z 2.0, क्योंकि यहाँ सेंटर से कोई भी चीज हम मेजर करते हैं तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। इसके बाद जो है G01 Z 0.0 फीट 0.5, ये हमें इस पे टूल को इसके पास में ले लेने के लिए कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से फीट में चलाएंगे, ये एंगल आ गया, तो G01 X डाया कितना 35.0। अब ये एंगल हम कितना 35 से तो डाल नहीं सकते, ए 35 तो हम डालेंगे नहीं, तो
तो हम क्या करेंगे, इसे एंगल को निकालेंगे। एंगल का पहले भी मैंने बताया निकालने के लिए, तो जैसे एंगल ये दिया हुआ मुझे कितना 30 का, तो ये है 90, तो ये एंगल कितना होगा इक्वल टू 90 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा 0 120। तो हम कहाँ डालेंगे इसमें एंगल 120, ठीक है, और यहाँ पे दे देंगे 3.15। इस तरीके के दोस्तों ये निकाल सकते हो क्लियरली, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जब भी एंगल इस तरीके से दिया हो तो ये अपने आप यहाँ पर डाया पे काटेगा। अब इससे यहाँ पर पहुंच गए, ये पहुंच गए यहाँ पे, ये जी 0 बन रहा है, फीट में कटिंग कर रहा है, और यहाँ पे जो था रैपिड में लेकर आए थे। अब इसके बाद हमें क्या करना, क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो इस पॉइंट से डाया तो सेम है यहाँ तक का, तो डाया हम चेंज करेंगे नहीं, खाली हमें लेंथ बढ़ानी है। तो लेंथ मेरी यहाँ तक दी हुई है कितनी 20, तो G01Z-20.0 फीट कितना 0.2 हो गया। इसके बाद अब क्या हो रहा है, डाया मेरा लेंथ तो मेरा यही है, बट डाया मेरा चेंज होगा, तो डाया मैं यहां तक ले जाऊंगा, ठीक है। तो यहां तक होगा कितना, ये डाया हमें मिला नहीं है, ये वाला डाया हमें पता नहीं है यहां से यहां तक कितना डाया होगा, ठीक है। तो ये डाया हम निकालेंगे कैसे, मान लीजिए ये 50 है, ये मान लीजिए ये 50 है, ठीक है, तो इसमें रेडियस हम कितने का लगा रहे हैं, 2 का, तो 2 का रेडियस है, तो इसमें 2 का रेडियस लगाने के लिए 4 mm डायमेट्रिकल देखें तो कम करेंगे, तो 50 -2 + 2 करेंगे कितना बचा 46। तो यहाँ पे कितना डाया होगा, इसका जो डाया होगा वो 46 होगा, तो हम इसे ले चलेंगे G01X46.0 फीट यहाँ से यही रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद अब आ गए रेडियस, अब रेडियस हमारा टूल का मूवमेंट कैसे इस तरीके को है, ये तो रेडियस हमें कैसे लग हुई है वहां पे, इस तरीके से रेडियस लग हुआ है ना, तो जब ये रेडियस इस तरीके का तो कैसे टूल घूमेगा, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या यूज करते हैं G03, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे G03X, डाया कितना है यहाँ पे 50.0Z-2 का रेडियस है, आर कितना है 2 आ जाएगा, फील्ड है 0.2, ये इस तरीके से रेडियस लगा दी। अभी जो है ये डाया हम ये Z2- का रेडियस का प्रोग्राम इसी तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये 0.2 यानी कि 2 mm तक आ गया, ये 2 mm की रेडियस है यहां तक गया। अब जो है यहां से ई से एफ तक की डिस्टेंस हम लेंगे, तो ई से एफ तक करेंगे क्या, यहां तक तो हमारा यानी कि डाया तो सेम है G50 पे चल रहा, तो हम इसकी लेंथ के लिए वो करेंगे, तो लेंथ के लिए अब मैं यहां को लिख देता हूं, ठीक है। इसके लिए हम करेंगे क्या, यहां से ले लिए फिर G01 में चलाएंगे G01, ठीक है, Z माइनस कितना है यहां से यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस है 30, तो हम 20 तो यहां पहले चल चुके हैं, तो 10 और चलेंगे, तो Z-30.0, ठीक है, यहाँ पे फीट 0.2 अगर देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो ये वाली फीट भी चलती रहेगी। अब यहाँ पर आ गए, अब ये डाया तो सेम है, अब मुझे जी पे जाना है, एफ से जी पे जाना है, तो यहाँ पे डाया डाया चेंज हो रहा है, तो यानी कि 50 से 70 में जाएंगे, लेंथ में कोई चेंज नहीं है, तो यहां से क्या करेंगे G01X70, अब सॉरी 70 नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें यहाँ पे भी 1 mm की रेडियस लगानी है, तो ये वाली डाया चाहिए जी तक की, तो ये डाया अभी हम पे है नहीं, तो इसे भी इसी तरीके से निकालेंगे जैसे यहाँ निकाला था, यानी कि यहाँ 1 mm की रेडियस है, तो ये 70 है, इसमें से डायमेट्रिकल देखेंगे तो आर दो डबल आर यानी कर देंगे माइनस, यानी कि 2 mm माइनस कर देंगे, तो ये वाली डाया हमको मिल जाएगा, तो ये डाया कितना आ जाएगा 68.0, ठीक है, फिट में यहाँ दे नहीं रहा, ये वाली फिट ले लेगा, ठीक। इसके बाद G0, अब सेम चीज आ गई, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, ये भी क्या है इस तरीके जा रहा क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या आएगा G03, ये चीज आएगी, तो यहाँ पे भी G03X, अब कहाँ पे लगेगा ये 70 पे, तो 70 पे ये ले लीजिए जेड माइनस कितना है एक एक ले लीजिए, आर कितना है 1.0,
फील्ड हमारा वही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा लेंथ कितना चलना, यहां तक आना इस पॉइंट पे, यानी कि आई पॉइंट पे हो रहा ना, तो ये सारी लेंथ सीधे हम चल लेंगे लीन इंटरपोलेशन में, क्योंकि सीधा है ना, लीन इंटरपोलेशन में चलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, जेड माइनस 38, ये 38 दिया हुआ है, 0.0 फील्ड 0.2। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा हो गया, अब मैं क्या करूंगा, टूर को इससे यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे उठाऊंगा, कहीं पे भी यहाँ से इसकी पोजीशन से अपर कर लूंगा। तो पोजीशन को उठाने के लिए G0x, यानी कि 70 में पहले चल रहा था, तो इसे 75 कर लेता हूँ, Z2.0, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम क्या कर देंगे, कूलेंट ऑफ कर देंगे, और यहाँ से अब जो मेरा पूरा काम फिनिश हो गया, तो मैं टूल को वापस होम पोजीशन पे ले जाऊंगा, G0, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूंगा, M05 स्पिंडल स्टॉप और M30 जो है प्रोग्राम एंड के लिए। दोस्तों इतना सिंपल तरीके से है, और ये प्रोग्राम बिल्कुल उस तरीके से है जाके आप डायरेक्टली मशीन में चला सकते हैं, इसमें कोई भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप बनाइए पूरा मशीन में चलाइए, बिल्कुल एक्यूरेट प्रोग्राम है, फानुक कंट्रोल में इजीली आप चला सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो मैं थोड़ा नाइट में बना रहा हूँ, ताकि हो सकता है आपको थोड़ा सा दिखने में लाइटिंग का कुछ प्रॉब्लम हो, बट फिर भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सॉलिड वर्क के ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।